मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा टूर का सेकेंड डे है और अभी हम मोहना के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद क्या क्या घूमता हूँ आप बने रहिए, देखते रहिए। अभी सुबह 7 बज रहे हैं और हम मोहना की तरफ जा रहे हैं और ये हमारा होटल न्यू दीघा है और न्यू दीघा से हम मोहना की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेरीन एक्वेरियम है, ये मंगलवार छोड़ के बाकी सब दिन खुला रहता है। और हम ओल्ड दीघा पहुंच गए। मेरे दाएं तरफ विश्व बांग्ला पार्क है, ये ओल्ड दीघा का एक आइकॉन है। मोहना जाने के लिए आपको यहाँ पे राइट टर्न लेना पड़ेगा। अभी हम लोग दीघा की मोहना में आ चुका हूँ और दिखाता हूँ आपका नज़ारा। मेरे जो पीछे है ये मछली बाजार है और पार्किंग है और मेरे सामने जो नज़ारा दिख रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे, चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे, सुबह हो गई मामू मामू मामू। अभी चाय पियेंगे दो दो कप। ये वो रैंप जो समुंदर के बीच बना हुआ है और देखिए लोग, बहुत लोग हैं। अभी सेल्फी वेल भी खींचा रहा है, सेल्फी जोन बोल सकते हैं आप, मोहना का सेल्फी जोन है ये। हम इस रैंप का एकदम एंड तक आ गया और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये पानी पत्थर में माथा ठोक रही है और आप भी सब्सक्राइब ठोकिए। ओल्ड दीघा में जैसा एक विश्व बांग्ला है, ठीक ऐसा ही न्यू दीघा में एक विश्व बांग्ला किया है।
হয়েছে? কেন নামতে পারবে না? কেন কেন আপনি বোঝাচ্ছেন, আপনি বাইরে থেকে এসেছি বলে যাতা বোঝাচ্ছেন? इन लोगों का प्रॉब्लम है, मैं उसका बाइक रेंट पे नहीं लिया, इसीलिए वो लोग हमसे 100 रुपीज़ मांग रहा था और पुलिस का डर दिखा रहा था, तो मैंने नहीं दिया। मैंने चालाकी से यहाँ से निकल गया। दोस्तों, जब कभी भी आप उदयपुर बीच में आएंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो हम फाइनली एंटर कर चुके हैं उदयपुर बीच पे। देखिए, बीच के ऊपर टेंट गड़ा हुआ है। जैसे जैसे पानी बढ़ते जाएगा, ये टेंट भी ऊपर उठा लिया जाएगा। আপনার এখানে বাইকের রেন্ট কিরকম নেন? ঠিক আছে দাদা, ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে কথা বললে। समंदर के ऊपर बाइक चलाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी उदयपुर और तालसरी के बीच एक जगह है, उधर पे हूँ। और आप तो देखा ही होगा कैसे यहाँ पे जो लोकल बाइकर है, बाइक जो रेंट देता है, उसके साथ पंगा हुआ। और कुछ बाइकर अच्छा भी था, तो उसके साथ बात हुआ तो अच्छा लगा। तो ये जो सौरभ पाल का जो बाइक था, अभी गिर गया, तो रेत में डबल स्टैंड में हर वक्त खड़ा कीजिए। हमारा दो बाइक जो हमारा हर राइड पे साथ देता है, आज ये समंदर की बीच में खड़ा है। तो हम उदयपुर से तालसरी के जो बीच है यहाँ पे आया हूँ। ये सब दोस्त मिल गया, हाय बोल दो एक बार, जोर से सुनाई नहीं दे रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई का, और लाइक शेयर जरूर करना इस चैनल को। थैंक यू। तालसारी का ये जो डायनासाइड है, इस डायनासाइड में चोरा वाली है, और इधर पे जाना ठीक नहीं है। तो हम सीधा जाएंगे, सीधा जाके वो जो दूर में जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वहीं से हम उठ जाएंगे। मेरे पीछे जो है ये चंदनेश्वर टेम्पल है। मैं तो अंदर नहीं जा रहा हूँ, जो बाहर से दिख रहा है यही।
तो अगर आप लोग दीघा तालसारी आते हो तो चंद्रेश्वर मंदिर जरूर घूम के जाना है, ये एक शिव जी का टेम्पल है। तालसारी से जब न्यू दीघा जा रहा था तो रास्ते में ये मंदिर मिला। इसका जो गेट है बहुत ही अच्छा है। दीघा आया हूँ, सी बीच की तरफ बढ़ रहा हूँ। पैराग्लाइडिंग हो रहा है, देख रहे हैं आप। पहले दीघा में ऐसा कुछ नहीं था, अभी है। ये सी बीच को देख के मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, ये समंदर नहीं है, ये जानो समंदर है। ये भाई लोग आया है सिंगूर से, तो भाई भाई हुआ, सेम डिस्ट्रिक्ट का है। दीघा कैमन एंजॉय कर तुम्हारा? बाइक लेके सी बीच में बहुत घुमा, अब ये बाइक नहाने के लिए रेडी है और होटल में जाके हम भी नहाएंगे। दोपहर का लंच के लिए हम जा रहे हैं, आज लंच पे है इलिस। खाना चालू और ये इलिस। नाकाम कोशिश घर खुलने का। न्यू दीघा से अभी निकलूंगा, तो सब कुछ रेडी हो गया। ये मेरा बैग है, सौरभ का बैग है। आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगा शायद, पता नहीं क्या होगा। सौरभ ने बोला था कल जाने को, पर मुझे कल काम है इसीलिए आज ही पहुंचना है। हम निकले ताजपुर होके घर की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा एक्शन कैमरा में मेमोरी ऑलमोस्ट फुल है और आधा घंटा हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये दीघा का गेट था। ये जो बीच आप देख रहे हैं ये ताजपुर बीच है। सब बीच एक ही जैसा है, पर यहाँ का माहौल कुछ ऐसा अलग है। यहाँ पे झोपड़ी बना हुआ है, अगर आपको थकान हो तो इसमें आप चाय वाय पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। वो जो दूर में जो दिखाई दे रहा है वो बीच जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे मंदरमणि है, तो
तो हम लोग नहीं जाएंगे आज, क्योंकि आज टाइम नहीं है और घर लौटना ही होगा। ये बीच पूरा शांत है और यहाँ का माहौल भी बहुत शांत है, पीस मिलता है इधर पे। ये पूरा जो जर्नी आपने देखा रोमन बात चैनल में, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्यार से सब्सक्राइब बटन दबा देना और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही हमें प्यार दिखाते रहिए।